एक इतना ही फर्क है, वरना भाषा वही है। थम कहाँ जा रहे हो, थम कहाँ कर रहे हो, थारा कितना वजन है, थारे कितने भैंस हैं, थारी शादी किस किसके साथ हुई है, कहाँ हुई है। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आज भी वही की वही है हमारे में भी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, पहले भी मैंने कहा कि अब हम लोगों को एजुकेशन आने के साथ में, अर्बनाइज सिस्टम आने के साथ में, अब बच्चे जो बोलते हैं हमारे छोटे बच्चे, जी जी, अब उन बच्चों को भी कहते हैं तुम ये मत बोलो, आने वाले हमारे बच्चे, तो हम डांटते हैं। आप कभी आए और मैं अपने बच्चों से वहाँ मिलवाऊंगा तुम्हें अलग अलग गांव में जाने के बाद। अच्छा अच्छा। अगर आप उस गांव में जाकर तुम मिलोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि सारे बच्चे वो गुजरी भाषा, कूने रे, कहाँ जा रहा है, क्या बिल्कुल कहाँ कर रहा है। अच्छा। तो इसी भाषा को बोलते हैं वो बच्चे आज भी हमारे। लेकिन जब वो स्कूलों में चले जाते हैं तो भाषा चेंज होनी चाहिए, भाई तू कहाँ कर रहा है, किसको है तू। जी जी। तो इसी प्रकार की भाषा, वो भाषा आज भी हमारी गुजरी भाषा वही है। जी जी। सेम है, कल्चर सेम है, कल्चर रहने का, सहने का, साफा जो बांधा करते थे दिल्ली में, अभी भी हमारे आज भी बन रहे हैं वो साफा। आज भी राजस्थान में भी चले जाओ आप, दिल्ली में भी आ जाओ आप, जब कितने मॉडर्न हो गए हम दिल्ली के रहने वाले लोग, फिर भी साफा साफा बांधते हैं बुजुर्ग लोग सारे के सारे। और जो जिसको लुंगी बोलते हैं हम उसको तहमत बोलते हैं, तहमत बोलते हैं हम उसको, तहमत बांधते थे। मैं भी जब आठवीं नौवीं तक खेतों में काम करने जाए करे तो तहमत बांध के जाए करे, तहमत तो मैंने भी देखा है बहुत लोगों ने तहमत बांधी हुई है। बिल्कुल। तो बताओ तहमत शब्द जो, हम भी तहमत, यहाँ भी तहमत, तहमत है, लेकिन अब वो हट गई है चीजें। तो हमारा सेम कहीं ना कहीं पीछे से जाएंगे तो ब्लड एक ही है, ब्लड एक ही है। बदुरी साहब, बहुत सारा जरा समाजी जरा ना सोशल मीडिया ग्रुप हैं गुजरा का, दिल्ली का, राजस्थान का, उन्होंने ऊपर मैं गल करने को मौको मिले। बहुत सारा लोगों की यह ख्वाहिश है कि दिल्ली के अंदर एक म्यूज़ियम होना चाहिए, गुजर म्यूज़ियम, गुजरा म्यूज़ियम, जिसमें मतलब एक एक बड़ो कमरो जम्मू कश्मीर का गुजरा की संस्कृति, हरियाणा का गुजरा की संस्कृति, दिल्ली का गुजर, इसी तरह 12 रियासतों का गुजर, गुजर प्रतिहारा ने के बनाए, मंदिर बनाया, जैसा एक सीरीज़ है पालीपतेश्वर का एमपी में जड़ा मंदिर है 200, उस तो बाद जो इसलिए मंदिर है बड़ा बड़ा मंदिर जड़ा है वे सोमनाथ को जो मंदिर इसलिए तो हम देखने लगा वो गुजर प्रतिहारा को बनाए हुए राजसमंद में मंदिर है, आज भी गुजर उसकी पूजा करते हैं। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में। तो इसने जोड़न वास्ते है, मतलब एक म्यूजियम की, संग्रहालय की जरूरत है दिल्ली में, कि जो मारो अपने कम्युनिटी को वह कुछ कर सकेंगे तम इसमें। देखो इतनी जल्दी चीज़ें हो नहीं सकती हैं, 70 साल की आज़ादी के बाद में लोग शासन सत्ता में भी रहे थे जी। लेकिन इसके लिए गुजर कम्युनिटी के लोगों को सबसे पहले उनको इकट्ठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है। हम इस बात को लेकर दिल्ली में भी फक्र महसूस करें हम तो, कि भाई जब वहाँ ये बातें चला करती थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन करते टाइम में जब चर्चा चलती थी विद्यार्थी परिषद में, तो जम्मू कश्मीर की बातें, सेपरेटिस्ट की बातें लोग किया करते थे, तो वहाँ पर हमारे बीच में कुछ और अदर कम्युनिटी के लोग कहते थे कि वहाँ जम्मू कश्मीर अगर आज भी सेफ कहीं ना कहीं है तो गुजरों के कारण है, ये गुजर नेशनलिस्ट हैं, आतंकवादियों से ये वो लेते हैं, टक्कर लेते हैं। तो हमारा सीना फक्र के साथ में चौड़ा हो जाता था दिल्ली में बैठे बैठे, जब काम करे वहाँ पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए करे, तो हम ये सोचे करें हमारे गुजर देखो वहाँ राष्ट्रवादिता के लिए कम से कम यहाँ पर नाम हमारा रोशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के शासनों ने और दिल्ली में बैठे शासनों ने इसकी चिंता नहीं की। लेकिन आज म्यूजियम की अगर बात आपने उठाई है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर आज कम से कम 10-12 एमएलए की सीट यहाँ पर अब रिजर्व हो जाएगी, तो वहाँ गुजरों को ही मौका मिलेगा। अब वो मौका मिलेगा तो वहाँ के जो गुज्जर हैं, यहाँ के गुज्जर अगर इस बात को मानेंगे, यहाँ की सरकार जो भी चलेगी वो दिल्ली में जगह की डिमांड करेगी, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कौन लोगों के सारा गुजरा हो एक म्यूजियम बनाना चाहिए प्राइवेट, मतलब हमारा समाज की तरफ हूँ एक दिल्ली में जगह रख, तो सरकार से देनी पड़ेगी ना। दिल्ली में जो सरकार है वो सरकारी जमीन देगी, दिल्ली में तो इतनी जमीन खरीदी ना जाएगी। अच्छा अच्छा। दिल्ली का तो जमीन का रेट लाख रुपए फिट के हिसाब से। अच्छा। तो गवर्नमेंट अगर लैंड वहाँ अलॉट कर देगी, यहाँ के लोग अगर चाहेंगे, और अच्छा सुझाव है आपका, ये बहुत बढ़िया सुझाव है, जिससे भारत की संस्कृति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत एक मुट्ठी, तो नहीं, आत्मनिर्भर भारत में जो गुजरों का पहना हुआ है, बना हुआ है, जो काम कर रहा है, आर्ट क्राफ्ट है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा ना जी। सही। और यहाँ का गुजर कुछ करेगा तो उत्तर प्रदेश का गुजर उसको गुजर कम्युनिटी के नाम से कुछ खरीदने की कोशिश करेगा। सही। स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर भारत